महाभारत में कौन थीं दुर्योधन की पत्नी भानुमति, जिनकी कहानी से दुनिया है अनजान। अगर आप महाभारत की कथाओं के बारे में जानते हैं तो इससे जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में भी जरूर जानें। जब भी महाभारत के पात्रों की बात आती है तब कुछ प्रमुख चेहरे ही सामने आते हैं। दरअसल अभी तक के सबसे बड़े युद्ध की पूरी कहानी कुछ महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूमती है, चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण हो या फिर कुंती के 5 पुत्रों की कहानी हो। ऐसी कई प्रमुख कथाएं हैं जिनसे हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन इसी बड़े युद्ध महाभारत के कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिनकी कहानी से दुनिया वास्तव में अनजान ही है। एक ऐसी ही कहानी है दुर्योधन की पत्नी भानुमति की। ये एक ऐसी महिला थी जो महाभारत के सबसे चर्चित पात्र दुर्योधन की पत्नी जरूर थीं, लेकिन फिर भी शायद ही कोई इनके बारे में जानता हो। आइए आपको बताते हैं उस महिला के बारे में जिसकी महाभारत में एक मुख्य भूमिका थी। जब भी बात महाभारत के युद्ध की आती है तब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का जिक्र सबसे पहले होता है। दरअसल इस युद्ध का कारण ही दुर्योधन को माना जाता है। महाभारत की कथा में इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर हरण करवाया और अपमानित पांडवों ने महाभारत के युद्ध की घोषणा की। वहीं महाभारत ग्रंथ में दुर्योधन की पत्नी का भी जिक्र मिलता है, लेकिन इसके पात्रों में ये नाम लगभग छिप सा जाता है। जी हाँ, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था और वो कई गुणों से संपन्न भी थीं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो इस ग्रंथ से लगभग गायब थीं। आइए आपको बताते हैं भानुमति से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थीं। जैसे ही वो बड़ी होने लगीं उनके पिता ने उनके विवाह के लिए स्वयंवर रचा। स्वयंवर में दूर दूर के धुरंधर सम्मिलित हुए, लेकिन जब स्वयंवर की बारी आई तब भानुमति ने दुर्योधन का चुनाव न करके वरमाला लेकर आगे बढ़ गईं। इस बात पर क्रोधित होकर दुर्योधन ने जबरन ही वरमाला अपने गले में डलवाई और उसे अपनी पत्नी बना लिया। इस प्रकार बलपूर्वक भानुमति दुर्योधन की पत्नी बन गई। भानुमति से दुर्योधन के विवाह के बाद उनके 2 बच्चों लक्ष्मण और बेटी लक्ष्मणा को जन्म दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भानुमति के 2 जुड़वा बच्चों में से एक उनकी पुत्री लक्ष्मणा के साथ भी उनकी माता की तरह ही विवाह का दृश्य सामने आया। लक्ष्मणा भी भानुमति की ही भांति बेहद सुंदर और चतुर थीं। जब वह बड़ी हुईं तो दुर्योधन ने लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से करने की योजना बना ली, लेकिन दुर्योधन ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर रचा जिसमें पहले से ही यह तय था कि लक्ष्मणा किसे वरमाला पहनाएंगी। लेकिन दुर्योधन की योजना के खिलाफ कृष्णपुत्र साम ने जबरदस्ती लक्ष्मणा से विवाह कर लिया। महाभारत की पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब युद्ध समाप्त हो गया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई तब पांडवों ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए भानुमति को अपनी पत्नी बनाने का विचार किया। उस समय भानुमति ने अर्जुन से विवाह स्वीकार कर लिया और पांडवों के परिवार का हिस्सा बन गईं। इस प्रकार भानुमति के अलावा और भी कई ऐसे पात्र और घटनाएं हैं जिनके बारे में हम आगे आपको जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल हिस्ट्री लाइब्रेरी के साथ।